अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बुटीज़ बनाएंगे। इसको मैंने 4 प्लाई बुलन से 10 नंबर नीडल से बुना है। बनाना इसको बहुत ही आसान है और ये 5 और 6 साइज़ वालों के लिए है। आप इसको छोटा या बड़ा बना सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैं 2 कलर की बुलन लूंगी और 10 नंबर नीडल। आइए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। उंगलियों की मदद से इस तरह बुलन को मोड़कर एक लूप बनाएंगे और नीडल में इसे उतार लेना है। ये वाले सिरे को हम किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। उंगलियों की मदद से बुलन को मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। नीडल में इस तरह से इनको डालते जाएं। 22 फंदे हम बनाएंगे। 22 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आइए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। सारी सिलाइयां हम उल्टी ही बुनेंगे। ऐसी ये लास्ट का स्टिच है और इसे हम सीधा करके बुनेंगे इस तरह से। अगर आप बुनाई सीधा सीधा बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं, तो लास्ट के स्टिच को उल्टा करके बुन लें। ये दूसरा रो है, इसको भी हमें उल्टा बुनते हुए पूरा करना है। ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए ऐसे। जब तीसरा रो बुनना है तो हमें कलर लगाना है। इसके लिए हम दूसरे स्टिच से कलर को ऐड करेंगे। ऐसे एक स्टिच को बुनना है और एक को स्किप करना है। ये वाला धागा जो है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसे एक स्टिच बुनेंगे, एक स्टिच स्किप करेंगे और एक को बुनेंगे। धागे को हम इस तरह मोड़कर इस तरह से साथ में ही इसको फोल्ड कर देंगे। एक स्टिच को स्किप करेंगे और एक स्टिच को बुनेंगे। स्किप किया, एक बुना, स्किप करना है, बुनना है। ऐसे ही पूरे रो को हम बुनेंगे। ये लास्ट का है। लास्ट का स्टिच जब आएगा तो धागे को इस तरफ करना है और इसको सीधा करके बुन लेना है। ये देखें, ये रो इस तरह से बनेगा। ये हमारी सीधी साइड आएगी और ये उल्टी साइड है। अभी हमें ये पूरा रो ब्लैक रंग के साथ बुन लेना है। इसमें कोई भी फंदा जो है स्किप नहीं करना है, सारे फंदे हम बुन लेंगे। ब्लैक रंग के साथ हमें इसी तरह रो डालने हैं। एक बार स्किप करते हुए और एक बार पूरी सिलाई को बुनते हुए। बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे। ये देखिए, अभी हमें कलर को फिर से चेंज करना है और ये वाले कलर को हम फिर से लगाएंगे। ये वाले स्टिच को निकाल लेना है और यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये सिलाई हम उल्टा बुनते हुए पूरी करेंगे। लास्ट के स्टिच को बार बार हमें इसी तरह बुनना है। ये देखें जी, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
अभी हमें एक रो और उल्टा उल्टा बुनना है, चार रो ग्रे रंग के और दो रो ब्लैक रंग के, एक बार स्किप करते हुए एक बार उसको पूरा बुनते हुए हमने बुनना है। ये ग्रे रंग का तीसरा रो है, और ये चौथा। ये चार रो ग्रे कलर के कंप्लीट हो गए हैं और ये लाइनें जो हैं वो दो बन गई हैं। जब दो लाइनें बन जाए फिर से हमें ये वाला रो बनाना है। वो देखिए हमें धागे को किस तरह से यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इस स्टिच को ढीला ज़्यादा नहीं छोड़ना, इसको यूं कस के रखना है और यहाँ से हम ये धागे को इस तरह रखेंगे और इसको इसके ऊपर से इस तरह से लाएंगे। ये देखिए ये क्रॉस करेगा इसको ग्रे को, ठीक है। एक फंदा स्किप करेंगे एक बुनेंगे। ये देखें ये फंदे कुछ इस तरह से नजर आएंगे। लास्ट में धागे को इस तरफ करेंगे और ऐसे ही इसको बुन लेना है। अभी ये पूरा रो ब्लैक रंग का बुनेंगे। अभी फिर से पूरा रो ग्रे रंग से बुन लेना है और धागे को हमें ऐसे इसको क्रॉस करते हुए ही लगाना है। ये देखें इसको मैंने निकाल लिया है और ये देखें यहाँ से धागे को ऐसे ऊपर से क्रॉस करना है ब्लैक के। बस इसी तरह बुनाई को कंटिन्यू रखना है। ये देखें चार रो हम ग्रे रंग के बुनेंगे और दो रो हम ब्लैक रंग के बुनेंगे। शुरू में ही हमें दो रो बुनने हैं, इसके बाद चार रो बुनते जाएंगे और एक हम ब्लैक रंग का बुनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। 60 रो बुनने के बाद ये जो लाइनें हैं ये 30 बन जाएंगी। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 30। 30 ही इस तरफ हैं और 30 ही इस तरफ हैं। आप चाहें तो ये ब्लैक कलर की लाइनों का भी हिसाब रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 हैं, ठीक है। अगर आपको एक नंबर बड़ा करना है तो चार रो बढ़ा लीजिए और अगर एक नंबर कम छोटा करना है तो चार रो जो है कम कर लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें मैंने ये ब्लैक कलर को काट दिया था। जब इस तरफ से रो को बुना तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया था जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो अभी हम सीधी तरफ से रो जो है बुनाई करेंगे।
अभी देखें हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें 5 फंदे छोड़कर बुनाई करनी है। ये 2 रो हम इस तरह बुनेंगे 5 फंदे छोड़कर। अभी यहाँ पर देखें ये 5 फंदे हमने छोड़ देने हैं। उसके लिए हमें ये वाला फंदा जो है वो बिना बुने इस तरफ निकालना है और फिर हमें बुलन को इस तरफ कर देना है और यहीं पर हम फिर से टर्न करेंगे और ये वाले फंदों की बुनाई फिर से करनी है। और उससे पहले हमें ये वाला फंदा बिना बुने इसी तरह निकाल लेना है और यहाँ से बुनाई को शुरू कर देना है। पूरे रो को इसी तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये उंगलियों के लिए जगह बन जाएगी इस तरह से बुनाई करने में। लास्ट का जो स्टिच है उसे इसी तरह बुनना है। ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 5 फंदों को छोड़कर। अभी हमने 2 रो जो है पूरे बुनने हैं, पूरे यानी कि पूरे फंदों को बुनते हुए 2 रो बुनने हैं। ठीक है, यहाँ तक बुनेंगे फिर से यहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए सिंपल सा तरीका है ये। ये पूरा रो में आपको बुनकर दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ये 5 फंदे भी हम बुन लेंगे ऐसे। इस तरह करने से बीच में होल भी नहीं रहेगा। लास्ट के स्टिच को सीधा करके ही बुनना है। अभी ये वाला रो भी हम पूरे फंदों का ही बुनेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 रो 5 फंदे छोड़कर और 2 रो पूरे फंदे बुनकर बनाना है। ये देखिए ये 2 रो हमारे पूरे फंदे बुनकर हमने बनाए हैं। इसमें हमने 5 फंदों को स्किप नहीं किया है। अभी फिर से हमें यहाँ पर 5 फंदों को छोड़ देना है। यहाँ तक बुनाई करेंगे और फिर से इस तरफ को बुनाई करेंगे। बस इसी तरह इसको बार बार रिपीट करना है। देखें आपको टर्न कैसे करना है एक बार फिर से देख लीजिए। फंदे को इस तरफ निकालेंगे, बुलन को ऐसे करेंगे और यहीं से मुड़ जाना है।
ये वाले फंदे को बिना बुने ही निकालना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो रो पूरे फंदे बुनने हैं और दो रो पांच फंदे छोड़कर। तरीका मैंने आपको बता दिया है। बस इसी तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। 67 रो बुनने के बाद ये जो लाइनें हैं ये एक तरफ 34 नजर आएंगी और नीचे की तरफ 33 नजर आएंगी। वो देखें, ये यहाँ से हम इसको गिनेंगे, ये वाली लाइन को छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये लास्ट वाली 34। और अगर ये वाली लाइनें हम गिने तो टोटल ये 18 दिखेंगी। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ से कलर चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बुनाई की है सेम ऐसे ही आगे हम इसको बुनेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर फिर से ब्लैक कलर जो है लगा लेते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और इसे बुनेंगे। और यहीं से हम जो है इसको शुरू करेंगे इस तरह से। ये वाले फंदे को स्किप कर देते हैं और ये वाला जो है बुन लेंगे और साथ में हम इसे भी फोल्ड करते जाएंगे। ये वाला स्किप कर देंगे और ये वाला इसको यूं फोल्ड करेंगे, बुन लेंगे, ये स्किप कर देंगे, इसको यूं फोल्ड करेंगे और इसे बुन लेंगे। ऐसे ही पूरे रो को हमें बुन लेना है, एक स्किप करना है, एक को बुनना है। बस आगे की बुनाई हमें सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने पीछे की है। ये देखें, ये रो सेम वैसे ही हमने डाला है। इसको पूरा हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है ब्लैक रंग के साथ। लास्ट के दोनों जो स्टिच हैं वो हमें इसी तरह बुनने हैं। दोनों मैंने इसीलिए कहा है कि इस तरफ का स्टिच भी और इस तरफ का स्टिच भी हमें इस तरह से बुनना है सीधा करके। कलर चेंज करेंगे और फिर से हमें 4 रो ग्रे कलर के और 2 रो जो है वो हमें ब्लैक रंग के बुनने हैं। ऐसे ही हम बुनाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूं। सेम ऐसे ही बुनाई करनी है। अभी मैं 4 रो ये वाले कलर के बुनूंगी और फिर 2 रो ये वाले कलर के बुनूंगी। जैसे हमने यहाँ पर बुना है ऐसे ही सेम आगे हम इसको बुनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 59 रो हुए हैं और अब हम इसको बंद करेंगे तो ये 60 हो जाएंगे, 60 रो हो जाएंगे। जितने इधर हैं उतने ही इधर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने का तरीका इस तरह से है, दो फंदों को इस तरह निडल में लें
और उसका एक कर दें, फिर से इस फंदे को नीडल में लें और इस तरह से एक कर दें। इसी तरह पूरी रो को बंद कर देना है। ये देखिए ये लास्ट का स्टिच है, इसे भी हमें एक बार इस तरह से बुन लेना है और धागे को मैंने काट दिया है। ये देखें इतना सा रखकर काट दिया है और इसमें से हम ऐसे धागे को पास कर देंगे। और ये देखें ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा और दो लाइनें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे इस तरफ आ रही हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो रो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 187 हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 रो हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 67 हैं, फिर 60 हैं। तो आइए अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। अभी हम यहाँ से स्टिच उठाएंगे, ये जो स्टिच है ना, ये वाले ये स्टिच हमने उठाने हैं। वो किस तरह से उठाने हैं ये देखें, ऐसे ऐसे इसको उठाते जाएं। जैसे हमने रो बनाए हैं वैसे ही ये स्टिच हैं। पूरे स्टिच को नहीं उठाना है, ये देखें ये पूरा स्टिच इस तरह से होगा, ऐसे इसको नहीं उठाना है पूरा, ये हमें आधे स्टिच को आगे की तरफ से जो सीधी तरफ से है, ये सीधी साइड है, तो हमें इस तरह से इसको उठाते जाना है ऐसे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। एक स्टिच यहां पर ग्रे रंग का है, उसके बाद एक ब्लैक का है, दो जो हैं ग्रे के हैं, एक ब्लैक का है दो ग्रे के हैं। तो इसी तरह हमें पूरे स्टिच जो है यहां तक उठा लेने हैं। ये देखें जी इस तरह से मैंने सारे स्टिच जो हैं वो उठा लिए हैं। लास्ट में भी यहाँ पर देखें एक स्टिच जो है वो ग्रे रंग का है जैसा शुरू में था। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये स्टिच गिनकर बता देती हूँ कितने हैं और बीच के कितने हैं। ये देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये एक है, ये 28 हो गए और ये 29। ये जो फंदे हैं ये 29 हैं। अभी आगे के गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये बीच के जो हैं 18 फंदे हैं, 29 फंदे ही इस तरफ हैं। तो आइए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। यहाँ से हम ब्लैक रंग के धागे को लगाएंगे। यहाँ पर देख लें फ्रेंड्स, ये उल्टी तरफ से हम बुनाई शुरू कर रहे हैं। धागे को साथ में ही हम फोल्ड करते जाएंगे और ये जो ग्रे रंग का है इसको भी हम साथ में ही फोल्ड कर लेंगे ऐसे। चार पांच फंदे हमें इस तरह से बुनने हैं। ऐसी बुनाई करेंगे यहां तक। ये लास्ट का स्टिच है, इसे इस तरह से सीधा करके बुनेंगे। ये देखें ये बुनाई मैंने कर ली है। अभी सीधी तरफ आ जाते हैं। सीधी तरफ भी हमें एक रो उल्टे उल्टे बुन लेना है यहां तक। ये लास्ट का स्टिच है इसीलिए इसे सीधा करके बुनेंगे। ये देखें ये मैंने रो जो है उल्टे उल्टे बुनकर पूरा कर दिया है।
अभी हम उल्टी तरफ आ जाते हैं। अभी हमें बुनाई जो है यहाँ तक करनी है, यानी 29 फंदों को बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये देखें, ये इस रो के ऊपर का फंदा हमने बुनाई कर लिया है। ये 29 फंदे हैं जो हमने बुने हैं। इसके बाद ये जो 18 फंदे हैं बीच में, इसका हम 2 का 1 करेंगे ऐसी। अभी ये देखें, ये बीच के जो फंदे हैं ये 9 बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4 8 हैं और 1 9, ठीक है, ये 9 हो गए हैं। और ये 29 फंदे हैं इस तरफ, और इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे आगे ऐसे। ये लास्ट का स्टिच है, सीधा करके बुनेंगे। और ये रो देखें, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी 29 फंदे यहाँ हैं और 9 फंदे यहाँ पर हैं, 29 यहाँ पर हैं। अभी सीधी तरफ आ जाते हैं। सीधी तरफ से हमें पूरे रो को उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसमें हमें कोई भी फंदा जो है कम नहीं करना। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये लास्ट का स्टिच है, तो ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी उल्टी तरफ आ जाते हैं और फिर से हम 29 फंदों की बुनाई करेंगे गिनकर। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29। ये देखें, ये 29 फंदों की बुनाई हमने की है उल्टे उल्टे। और यहाँ के जो 9 फंदे हैं इनको हमें किस तरह से कम करना है, ये देखें, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये वाला फंदा हम बिना 2 का 1 किए इसको ऐसे ही बुन लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे बीच के फंदे को हमें ऐसे ही बुनना है सिंगल। ये 2 का 1 कर दिया और 2 का 1 कर दिया। ये जो बीच का फंदा है इसको सिंगल बुन लेना है ऐसे, और फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब ये 9 फंदे जो है वो कम हो चुके हैं। अभी और फंदे हमें कम नहीं करने। ये वाले जो हैं ये 29 हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखें, ये जो रो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी 29 फंदे इस तरफ हैं, 29 फंदे इस तरफ हैं, और बीच में 5 फंदे हैं। अभी हमें कोई भी फंदा कम नहीं करना है। अभी हम सीधी तरफ आ जाते हैं और फिर से ये पूरा रो उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी फंदा हमें कम नहीं करना है। ये लास्ट का स्टिच है। अभी ये देखें, ये रो हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो
तीन लाइनें बनी हैं, एक दो तीन, यानी हमने छह रो बुने हैं टोटल। छह रो बुनने के बाद ये वाला धागा जो है वो हम काट देंगे। और ग्रे रंग के धागे के साथ हम बुनाई करेंगे। ग्रे रंग के साथ हम जब बुनाई करेंगे तो एक स्टिच को ग्रे बुनेंगे और एक स्टिच को हम स्किप करेंगे। ये देखें, ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं। इसके साथ ही ये दोनों जो धागे हैं उनको हमें फोल्ड भी करना है। ये स्किप कर देते हैं और इसको बुन लेंगे। तो इसके साथ ही हम ये दोनों धागों को इस तरह से फोल्ड भी कर देंगे, ऐसे एक को स्किप करेंगे और एक को बुनेंगे। एक को स्किप करेंगे, एक को बुनेंगे और साथ में इसको फोल्ड कर देना है इतना सा। एक को स्किप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक को स्किप करते हैं और एक को बुन लेते हैं। ये लास्ट का स्टिच है, इसको इस तरह से बुनेंगे। ये देखें, ये पूरा रो जो है वो इस तरह से हमने बुना है, एक फंदा बुना है और एक को स्किप किया है। अभी सीधी तरफ आ जाते हैं। ये सातवां रो था, ये आठवां रो है। सीधी तरफ से हमें ये वाला रो जो है वो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ऐसे सारे फंदों को बुन लेना है, कोई भी स्किप नहीं करना। अभी उल्टी तरफ आ जाते हैं। और ये दसवां रो जब हमने बुनना है तो ये सारी सिलाई को हमने बंद कर देना है। वो देखें कि इस तरह से दो का एक करेंगे, ऐसे जैसे मैंने पीछे आपको बताया था सेम वैसे ही हमें बुनते जाना है और दो का एक करके फंदों को बंद करते जाना है। अभी हमें ग्रे रंग को उतना काट लेना है जितना स्टिचिंग के लिए हमें चाहिए। ये देखें, ये लास्ट के जो स्टिच हैं उन्हें हमें इस तरह से दो का एक करके, जो जी ये वाला स्टिच है इसको भी एक बार ऐसे बुन लेंगे और इसी में से हमें पूरे धागे को पास कर देना है। ऐसे, और इसी के साथ हम स्टिचिंग भी करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए मैंने ये वाले धागे को नीडल में डाल लिया है। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करनी है और सीधी साइड से ही स्टिचिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये जो स्टिच है इसके बीच में से हमें नीडल को पास करना है। इस तरह से अभी हमें यहां पर
ऐसे नीडल को निकालना है। अभी ये देखें, यहां से स्टिच को ये देखिए ऐसे लेंगे और इधर से यहां से लेंगे। ये लाइन के साथ लाइन इस तरह से मिल जाएगी। अभी आगे की जो लाइनें हैं ऐसे ही हमें स्टिच को उठाना है दोनों तरफ से। ये देखिए ये इस तरफ की यहां से ये देखिए यहां से दोनों तरफ से ऐसे ही हमें स्टिच लेते जाने हैं और ये जिगजैग की तरह बीच में से नजर आएगा। ऐसे अभी हम इसको खींच देंगे। ये देखिए ऐसे एकदम से नाल मिल जाएगा। बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहाँ से हमने स्टिचिंग की है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ से ये वाले स्टिच हमें उठाने हैं ऐसे। और इधर से भी ये देखिए ऐसे ही हमें पूरी स्टिचिंग करनी है। बस ऐसे ही हमें इसको सिलते जाना है। ये देखिए इसको हम खींचेंगे। तो इस तरह से यहां पर भी दो लाइनें हमें नजर आएंगी। ये देखें जी, यहां से हमने स्टिचिंग शुरू की थी और ये देखें यहां से मैंने यहां तक स्टिचिंग कर दी है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बार ये भी बता दूं कि ये लाइन के साथ लाइन आपको किस तरह से मिलानी है। ये देखें ये लाइन है और यहाँ से हम स्टिच को ऐसे ले लेंगे और ये देखें ये लाइन है और यहाँ से स्टिच को ले लेना है। ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ मिलती चली जाएंगी। ये देखें ये ब्लैक है तो इसी के यहाँ से हम स्टिच ले रहे हैं और इधर से भी हमें ऐसे ही करना है। ये लाइन जा रही है और यहीं से हम स्टिच ले लेंगे। ये देखें ये इस तरह से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ तक स्टिचिंग करती हूँ। ये देखें जी यहाँ तक मैंने स्टिचिंग कर दी है। अभी ये जो स्टिच हैं ये वाले, इनको हमें ये पूरा स्टिच है यहाँ से हाफ उठाएंगे ऐसे। ये देखें
कोई भी स्टिच जो है मिस नहीं करना है। ये ऐसे हम इनको उठाते जाएंगे। और अभी हमें क्या करना है, ये देखिए इसको यूं खींच देना है और इस तरह से यहाँ से रिंग बन जाएगा। और ये वाले जो एरिया है इसको हम सुई को उल्टी साइड की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ से दो तीन बार जो है सुई को इस तरह से पास कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। और ये जो सिलाई है नीचे, यहाँ पर हम नीचे की तरफ बैक स्टिचिंग करके इसको यूं यहाँ पर ऐसे सुई को निकाल कर थोड़ी सी और बैक स्टिचिंग करेंगे और फिर धागे को काट देना है। ये देखिए ये इस तरह से हमारी बूटीज जो है वो तैयार हो गई है। अभी हम इसको पहनकर देखते हैं कि ये किस तरह से नजर आती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।